बांदा में देर रात बैरक में बड़ा हादसा हुआ। पुलिस लाइन में स्थित पुरानी बैरक का छज्जा गिरा, जिसके बाद बैरक के मलबे में दबकर एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पुलिसकर्मी को देखते ही डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर, गंभीर अवस्था में व्यक्ति को लाया गया है, क्या है मामला और कैसी उसकी हालत? यहाँ पर पुलिस लाइन से एक पुलिसकर्मी को गंभीर अवस्था में लाया गया था। उनका एग्जामिनेशन करने पर उन्हें मृत पाया गया। उनके शव को मॉर्चरी में रखवा दिया गया। क्या जानकारी हुई है कि उनके साथ जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने बताया है कि बैरक गिरने की वजह से उनको चोट लगी थी, उसके बाद उन्हें यहाँ आना है। वही पुलिसकर्मी की मौत की खबर सुनते ही पुलिस महकमा गमगीन हो गया। घटना की सूचना पर एसपी सहित जनपद के कई थाने व चौकी की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। मलबे में पुलिसकर्मी के दबे होने की आशंका पर आनंद फानंद में 4 जेसीबी को बुलाकर रेस्क्यू शुरू किया गया। मृतक कांस्टेबल सोनेलाल यादव कानपुर देहात का निवासी था। सवाल ये उठता है कि आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन है। घटना बाना नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पुलिस लाइन परिसर की है। बांदा से पूरन राय की रिपोर्ट। बांदा पुलिस लाइन में 7-8 की रात को लगभग 1:15 बजे एक पुरानी बिल्डिंग, जिसका आधा हिस्सा मीटिंग हॉल के पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसके आधे हिस्से में जो ओपन वरांडा था वो रात को कर कुछ उसका हिस्सा गिर गया। उसमें हमारे एक जवान कांस्टेबल सोनेलाल यादव वहाँ भाग सो रहे थे, उनको उसमें गंभीर चोट आई। तत्काल उनको रेस्क्यू करते हुए उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भिजवाया गया, परंतु वहाँ पर उनकी ऊपर मृत्यु हो गई है। इसके बाद तत्काल वहाँ पर सभी अधिकारी द्वारा पहुँचा था और वहाँ पर जितना भी मलबा था उसको साइड पर करवा के उसको चेक करवाया गया। पूरे क्षेत्र को इनके परिवार को सभी को सूचित कर दिया गया है और इसमें जो भी मतलब पुलिस विभाग की तरफ से परिवार इंग्रेजी नियम अनुसार होगी।